हमारी जान आज हरा दिसले चाइल बड़ी। जुड़ जाइए आप लोग कि हमारे जान आज हरा दिसले खाते हैं। नमस्ते प्रणाम सबके। और ये मेरा भाई है अर्जुन, बहुत अच्छा लिखता है। सबके छोटे भाई गीतकार अर्जुन अजीत, ये बहुत अच्छा लिख रहा है, मेरा छोटा भाई है। आप सब जुड़ जाइए, दोनों दम धरे का नाम नहीं खा सले तभी, यानी के कुकुर सही में कुकुर हो गई बाबा। ये लोग हरदी लगे जान के। जय हो भैया, आप लोग सुनिए और आशीर्वाद प्यार देते रहिए कि पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमारा पता चलल प्रेम के भाषा। कि रोवते रोवते मिले हमसे आइल बड़ी हमारी जान आज हर दिसे ले चाइल बड़ी। सबके प्रणाम। और ये दोनों दरिंदा कुकुर जौन बाड़न से ही चुप होके के नाम निखन सलेत भैया। अब बताई एगो लड़की हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खुशबू उत्तम जी हनी के विरोध में बोल का दिली, यानी कि उनका के 10 साल पहले के वीडियो बना के आई फिर से वीडियो बनावे लगलन सा, फिर से कहता कि तुम्हारे सारे छेद से खूने खून निकल जाएगा। ये अपने आप को हिटलर समझ लिया है क्या रे तुम लोग, कि भोजपुरी का सब तुम लोग कैसन कलाकार बड़ा मर्दे कि तुम लोग के पानी हो गई बका शरीर में हैं। ये मर्दे लेके तार लोग के डायरेक्ट गाड़ी दे तारन सा, तू लोग कातना डेरा आइल बड़ा डेरा तड़ा कि खुशबू तम जी से बोल लिया वीडियो बना दिलन सा तो हमारे ऊपर बना दियन सा। ये इतना बड़ा हरामी है दोनों, इतना बड़ा कुत्ता है ये लोग। लाती में टेर लगा कर बैठे हैं, सिर्फ ऑर्डर कीजिए भैया प्रधान बना देंगे। ना ना हमने क्या अपन मुंह खराब नीखे करे के, यानी कि आज अपने से मनगढ़ंत कहानी बना के आज भोजपुरी इंडस्ट्री के पब्लिक के नज़र में अपन औकात बता दे रहे कि हमने के कहाँ बनी जाए। अब ये बताइए आप लोग कि खुशबू उत्तम ने बोल दिया कि तुम दोनों गलत हो, ये दोनों कल वीडियो बनैले बड़न से उनकर गाना देखैले बड़न, सातना दिन से उनकर गाना में ना लौकत रहे तोनी के विरोध में जे बोली तोनी के जे विरोध करी ओकरा बारे में तोनी के वीडियो बनी बस। हाँ सुनिए ना, बोली है अभी श्याम देहाती की वाइफ फोन की थी कि खेसारी जी के बारे में पूछा फोन करके, जब पॉजिटिव बात बोली है तो बोल रहा है कि ऑडियो खराब हो गया फिर से पूछेंगे। बताइए अभी भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे श्याम देहाती जी को पत्नी को फोन किया था कि खेसारी के बारे में आप कुछ बोलिए, तो वो बोली कि वो तो हमारे लिए भाई हैं, वो हमको बहुत मानते हैं, उनके लोग फोन करते हैं। मेरा भी बात हुआ है कल परसों ही, हम बोले कि भाभी एक से दो दिन में आपके पास आ रहे हैं, आज राजीव भैया है हमेशा जाते रहते हैं। बताइए उनसे बोल रहा है कि कुछ बोलिए कि खेसारी कमजोर पड़े हैं। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग कॉमन चीज समझिएगा कि आज वो कलाकार को गाली दे रहा है, कल पब्लिक को गाली देगा, आ पब्लिक को गाली दे रहा है उसके कमेंट में जो भी उसके कमेंट में जो भी कमेंट करता कनी के ओकरा के गाली देता रहन सही, ऐसा ही हत्यार बढ़न सा। अभी खुशबू तम ने बोल दिया इन लोगों को कि तुम दोनों गलत किए हो, तो देखिए खुशबू तुम पे वीडियो बना दिया, उसमें बोल रहा है कि तुम्हारे हर छेद से खून निकाल देंगे। अब बहन बोला था लाइव में ये बोलने में शर्म नहीं। इन लोग को बताइए कि भोजपुरी का आज तक कभी जय भोजपुरी नहीं बोला है, जय मगध जय बिहार बोलता है, भोजपुरी के सारे स्टारों को गाली देता है। आप लोग इतना सही समझिए कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं, तो प्लीज आप लोग संभल जाइए भैया। आप जे भी कलाकार लोग बाड़ा लोग अभियो ले समय बा, न तो तार लोग अगर चुप बाड़न हूँ तो तू लोग इतना गाड़ी दी हन सके तू लोग ठंडाइए जी बोलो सब लोग जगिए।
बताइए ये समर सिंह ना जो है वो, उनको हम फोन कर दिए थे कि भैया इस समर्थन में आप, तो वो कल लाइव है कि वो खेसारी भैया को बोल रहे हैं गलती। अरे यार जीवन भर तो बोलबे कैल, अभी पतो चलत हुई कि सब सब तो अगवे आवत है तब तो नहीं खे बुझा। अरे यार यहाँ एकता की बात हो रही, हम लोग कलाकारों को जुड़ने को बोल रहे हैं कि हम लोग को सबको एक हो के बोलना है, तो आप बोल रहे हैं कि मगर यह जवान अभी 10 दिन पहले तार माई बहन कैल रहन सब तार वीडियो पर दू दू गो फैक्ट्री दूध के बनल रहा था जौन ना कहे कर्म करे के तौन कैल रहन सब लाज नहीं खे लागत। जितना जरा चुप बाड़ लो ये लोग कब तक तू लोग छोड़िए सका केकरा के छोड़े बड़े सा, चाहे वो रितेश पाणे होकस, चाहे वो कलू होकस, चाहे वो समर सिंह होकस, चाहे वो पवन सिंह होकस, चाहे खेसारी लाल यादव होकस, चाहे गुंजन सिंह होकस, केहू के छोड़ले बड़न सही। अब तोहार लोग नहीं के बुझा मान, तू लोग के आदत हो गई बा कितना दिन तक चुप रह बोलो, खून खौलत नहीं खे, आज कलाकार ही सबसे कमजोर हो गया। ये दरिंदा बताइए खुशबू उत्तम ने बोल दिया, इन लोगों को गलत बोल दिया तो आज उसको गालियां देने लगा ये। अरे भाई है लिखा था उनकी समर सिंह को जब गाली दिया था तो खेसारी लाल यादव कहाँ था, वो तब एक डेढ़ साल हमारा क्या खेसारी लाल के गुंजन सिंह के राकेश मिश्रा के गाली देता हूँ सब, तब समय आयल बा न जितना लोग के गाली दिले बन से ठीक बा, जरा नईखन से दिले तो ठीक बा भैया तू लोग चुप बाड़ल हो, लेकिन आज तू लोग कहाँ चुप बाड़ल हो केकरा के नहीं खसा दिले, केकरा के गरिया नहीं खसा दिले तनि हमारा बतेबो लो, जरा नमवा धरत आवन से तौला के गरिया नहीं खसा दिले। इन लोगों का लॉजिक आप नहीं समझ रहे हैं, इन लोगों का देखिए अब कंट्रोवर्सी हुआ, अब लगा हुआ है वीडियो बनाने के लिए कि तबड़तोड़ वीडियो बनाएंगे उससे 2 रुपया आएगा, इसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो काट के डाला है कि नहीं डाला है पता नहीं, बोल रहा था कि कुकुर के पेशाब से मुझ मुड़वा देंगे अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो मुड़वाओ ना, अब काहे कहता रहो कि पैसा न कमाई ले जाए। भोजपुरी के बोलता है भोजपुरी से कमाता है, भोजपुरी का दिन रात नाम लेता है, आ जब वीडियो खत्म होता है तो बोलता है जय मगध जय बिहार, जय भोजपुरी बोले में लाज लगाता रहे तोनी के है। आज अश्लीलता हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत खत्म हो चुकी है, लेकिन ये लोग खोद खोद के 10-10 साल पहले के गाना है चढ़ावत अरन सब, ये लोग अपने आप को हिटलर समझ लिया है, हमारे विरोध में बोलोगे तो बेटा काम से जाओगे। देखिए भोजपुरी के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपनी इज्जत को बचा रहे हैं, 10 दिन में तू लोग माई बहन करी अरन सब, हाँ तू लोग लागत है तारा लोग को छोड़ ले बड़न सब, किसी को नहीं छोड़ा अबो नहीं के समझ में आता। अरे मर्द आपसी विवाद रखले वाला लोग ठीक बा, माने तो नहीं कि ठीक आपस में विवाद है, वो बातों का विवाद है, लेकिन माई बहन करत से तो निमन लगता है, आई जे का लड़ता तो खाली खेसारी लड़ता हूँ अपना खाती, अखिलेश कश्यप के गाड़ी देता से तो वो रहता हूँ, तू लोग गरिया नहीं खनस दिले। अबो ले मर्द लेके एक होके के समय आ गई भा, भोजपुरी इंडस्ट्री के कभी अंतरा सिंह को बोलता है, कभी शिल्पी राज को बोलता है, कभी इस हीरोइन को बोलता है, कभी इस गोली गायिका को बोलता है, गोली मारने से समझान नहीं है भाई सब चीज का। और वैसे लोग कहाँ जातिवाद की बात करते हैं यार, किस जातिवाद की बात कर रहे हो तुम लोग, की जातिवाद हो रहा है भोजपुरी में, कहाँ से जातिवाद, कलाकार का कोई जाति होता है। काले डोरीगंज में प्रोग्राम रहे, हमारा लगा था कि आज 15 साल से खेसारी भैया के रिश्ता बा उपेंद्र भैया से, छपरा के मतलब बान बान शान है वो, राजपूत ही ना है, आज मनीष भैया बुलबुल मिश्रा भैया, बुलबुल भैया ब्राह्मण, मनीष भैया राजपूत, उपेंद्र भैया राजपूत, विवेक सिंह राजपूत हैं, हम पंडित जी ये श्रीवास्तव है, आज हर जाति के लोग काम कर रहा है साथ में, तो गलत हो गया। वो जो म्यूजिक बनाता है हम लोग का ए बी गुप्ता, वो आज गुप्ता है, ये गोलू गुलजार लाला है, मनु साहु सब तो मर दे लेके अलग ही जाति के लोग काम करते हैं, हम नहीं संगे कहाँ से जात पात करते हैं यारे, तू जातीयता का बात करता है। आप लोग जितना कलाकार के बोले के आप लोग कायदा में बोलिए, हमें कोई दुख नहीं है, तार बहनिया देखत हुए तो हनी के वीडियो है, तू बहन कल रहे लाइव में न्यूज 18 में तो हनी के वीडियो देखल रही कि बहन है आप, वो बेचारी भाई बोली थी, आप बोल रहा है कि छुप घोप देव तो हई घोप देव तो घोप देव, खुद बोल रही है, भाभी खुद बोल रही है,
देखिए श्याम भैया की पत्नी है भाभी। हेलो। हेलो। हाँ भाभी प्रणाम। बोले हैं कि ये मगैया जवान, आपको मगैया जवान फोन किया था ना? हाँ, उनके पुण्य तिथि था ना, उसके बाद में वो कॉल किए थे। तो क्या बोल रहे थे? वही कि सब लोग मतलब उसके बारे में बता रहे थे कि हाँ। बहुत सारे लोग पोस्ट किए हैं और आपको कॉल कौन कौन किया है, ओनली मतलब खेसारी जी के बारे में, सबके बारे में पूछ रहे थे। हाँ। तो कॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। हाँ। नहीं, मतलब अच्छा अच्छा एक बात बताइएगा, आप खेसारी भैया का बुराई की तारीफ की, सही बताइएगा ना। देखिए हम किसी के बारे में बुराई या तारीफ सब मतलब सब स्टार लोग को हम सम्मान किए। इसीलिए वो नहीं चलाया। अगर बुराई ये श्याम भैया की पत्नी है, ये लोग खोजते रहता है कहाँ से मुझे क्लू मिलेगा है? और कहाँ से क्लू मिलेगा आज सुनिए, ये श्याम भैया की पत्नी थी श्याम देहाती जी की। तो आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिए, सही चीज इसीलिए नहीं दिखाया। सही बोल दिए तो ये दिखा ही नहीं रहा है भाई की रिकॉर्ड बोल रहा है कि हमारे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। बताइए मतलब ऐसा हो सकता है कि हम फोन रिकॉर्डिंग हमारे रिकॉर्डिंग हमारे डल्ले बड़ा सा तू तो नहीं करना बोल रहे आधा वाले काट के हमारे डल्ले बड़ा सुन तो वॉइस भेजले वाली हूँ जोर जोर के काट काट के खेसारी जी के बारे में। माई बहन नहीं खे रे तोनी का अपना माई बहनिया तो गरिया सुनत हुई कि ना सुनत हुई। अरे वो क्या बोलेगा भैया, पता है उसके बारे में हम लोग पता किए ना, एक लड़की को अपहरण किया था। एक लड़की को अपहरण किया था, मुझे पता है इसका पूरा। जाने दीजिए परिवार का, इन लोग का तो शुरू से है दारू लेकर बैठ रहा है, अश्लील गाने पे तुम लोग वीडियो बनाए हो सबसे ज्यादा, आज डिलीट करवाए सब टिकटॉक पर सबसे ज्यादा तुम लोग वायरल होने के लिए। वो मकदीप बॉय जो उसके पास जाते थे तुम लोग कि कैसे वायरल होगा, सरकार जांच बैठा। तुम्हारा बीबी से लेके आ तुम्हारे बारे तक तुम्हारे परिवार तक सबका बायोडाटा आ चुका है, जान लो हम लोग। लेकिन परिवार पे नहीं जाते हैं क्योंकि हम उस संस्कार में पले बड़े नहीं हैं। आज तक तू इतना सब किया, इतना सब कुछ बोला, लेकिन आज तक कभी तुम्हारे बारे में हम लोग गलत स्टेटमेंट नहीं दिए और ना कभी देंगे। अरे बताइए, जो महिला का सम्मान नहीं कर रहा है, जिस लड़की को लेकर भागा था, ठीक है लड़की लेकर भागा था, मतलब इससे बड़ा अश्लील कौन हो सकता है? आप फिर शादी भी नहीं किया है तो भाई मतलब अश्लील ये है कि हम लोग हैं। बताइए ये जांच हो जाए सीबीआई। हाँ जांच करवाइए, प्रशासन से मांग करते हैं। ये कुछ दिन पहले एक लड़की को लेकर भागा था, इस पर अपहरण केस है गौतम पे है। समरवा का तो शादी नहीं है, दो भाई है, दोनों एमआर का काम करता है। पैसा कम मिलत रहा बउआ तोनी के, ढेर पैसा के भूख लागल बा का तोनी के, केहू के माई बहन के गाड़ी देके पैसा फिल्म साइन कर दिल सौ। हमनी के ऑफिस में दूगो जगह खाली बा, खाना बनाए वाला आ बर्तन उर्तन धोए वाला, तोनी के अवसर तोनी के रखल जाए। हाँ रुपया कमाए कितना शौक बताओ, यही तोनी के पैसा के काम। हाँ तो किसी के बारे में उल्टा बिल्कुल भाई बोल रहे हैं हमारे ब्रिजेश प्रजापति जी की, जब कदाकार का जाति नहीं होता तो जातिवाद गाने क्यों है भैया? बिल्कुल बिल्कुल जातिवाद ना होके के चाहिए। हम एगो आए दिन पिछले बार एगो गाना गोले रही, खातिर अभियो माफी मंगले बनी, आजीवन मंगले बनी, हमेशा बोली ला कि गलती हुआ था मेरे। जातिवाद नहीं होना चाहिए, जात पात से हम लोगों को उठ के, हमारे भी शरीर में वही ब्लड है जो अगले के शरीर में है, तो हम क्यों जात पात फैलाएंगे भाई? विंध्याचल सहनी जी बोल रहे हैं कि तुम जातिवाद पे गाना लिखना, बताओ भाई हमारे कौन जात के गाना आई लो, कौन जात पे हम बोल ले बनी और कौन जातिवाद के गाना लिख ले बनी। ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद प्यार चलिए आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद को आप लोग ऐसे ही बाबा मगहे जाने दीजिए, आप लोग गाली गलौज मत कीजिए। ये लोग बताइए खुशबू उत्तम ने इसके विरोध में बोल दिया तो उसको बोल रहा है कि तुम्हारे छेदा से खूने खून कर देंगे, तो यहाँ यहाँ से खून निकलेगा। अरे अभी तो इनके नाम मन बसन तुम्हें तो सजा दिवाइए कि हम दम धरब, घबरा से मत तो के भोजपुरी के हलवा ले लेल बड़ा सा ना, थोड़ा सा टीआरपी पावे खातिर भोजपुरी के कलाकार के तो इनके गाड़ी दे बस रे।
तुम लोगों का चेहरा सच में हम कभी छः महीना हो गए तो नहीं के देखा ला, हम देखते ना रहे क्यों नाम लेवे तो हम तो नहीं के मऊगैया जवान कहत रहे। अब तो तुम लोग दरिंदा हो दरिंदा। अगर तुम्हारे पास किसी आए दिन कोई लड़की जाए कोई गुजर जाए तो तुम लोग उसका बलात्कार कर सकते हो, इतने तुम लोग बलात्कारी हो, तुम लोग भोजपुरी का बलात्कार कर रहे हो, तुम पे रेप केस भी है, तुम रेपिस्ट हो। 12-13 साल पहले तुम्हारा एक एक चीज गांव से जाके तुम्हारे घर गए थे, अभी तुम्हें नहीं पता है तो ये जान लो। तुरे एक एक चीज हुईया लेके आई मैंने, अब वो पब्लिकली हुई। गुरुआ थाना में अगर घर पड़ेगा छोड़िए जाने दीजिए। तुम्हारे गया में तुमसे ज्यादा हमारे लोग हैं और हमको समर्थन करने वाले भोजपुरी के लोग हैं। आप लोग बस आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, सबको मोहब्बत देते रहिए और ऐसे दरिंदे को आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से आप फेंकिए। आज तक तो कभी जय भोजपुरी नहीं बोलता है, आज तक तो कभी नहीं बोला है। इसका वीडियो उठा के देखिएगा, जिस भोजपुरी माँ को गाली देता है, जिस भोजपुरी कलाकार को गाली देता है, आज तक कभी जय भोजपुरी नहीं बोला है। आप लोग इसको इतना रिपोर्ट करिए इसके फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि इसका सब बंद हो जाए। आज इतनी व्यूअर्स आए लगल ना, ये आप सबके विरोध है। आप लोग इसको इतना विरोध हो, अरे उसको अगर अश्लील मुक्त करना है सब लोग साथ में है, सब लोग कहा था कि हम होली में आते हैं दिवाली में। अरे होली दिवाली में आता है तो कलाकार से काहे नहीं मिलता है रे। जब होली दिवाली में तुम आता है, आज मगध शर्म कर रहा है भैया दोनों को देखकर। अरे भाई हमारे, अरे मगध को क्या शर्मिंदा करेगा, ये पूरे हमारे बिहार यूपी झारखंड की जनता को आज शर्मिंदा कर रहा है कि ऐसा नलायक दो थोड़ा सा अपना TRP पाने के लिए फिल्मों में साइन करेगा। तिकुल कोई लंच फिल्म साइन कर लिया ना भाई, तुम्हें काम मिल गया क्या और तो नहीं कुछ चाहिए। अच्छा भोजपुरी खराब है तो तुम फिल्म का साइन किया, भोजपुरी खराब है तो तुम मगधी सिनेमा का नहीं साइन किया रे। आज तक जय भोजपुरी कभी बोलता ही नहीं है। रोड पे उतरो, सही बात है, बज रहा है तो उसको बंद कराओ, लाइव आओ, लाइव आओ, बंद कराओ, हम लोग साथ चलेंगे, नहीं साथ दिए तो जो बोलोगे, ऑन लाइव बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुमको, अगर तुम ठीक है अश्लील मुक्त करना चाहते हो तो अपना यूट्यूब चैनल और पेज मोनेटाइज खत्म करवा दो। हाँ बिना मोनेटाइज के चलाओ ना वीडियो, मान गए तो अब तो बोलने लगा कि हम पैसा कमाते हैं तो क्या गलत करते हैं, तो कौनो के गाड़ी देके कमाइए, मेहनत करके कमा सन। कितना पकड़ता है उसके पर्सनल जीवन से नहीं मतलब है, लेकिन वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और कुछ बिल्कुल अश्लीलता का विरोध तुम करो हमें कोई, लेकिन गलत बोल के केहू के कर बस। अरे तोनी के बारे में अगर खुशबू तुमने बोल दिया तो तोनी के नशा फटे लगो। पहले खुशबू तुम अश्लील ना रही है, फैमिली से निकाल दिया गया इन लोगों को। बिल्कुल ये सही बात आप बोल रहे हैं, सही बात है। हम लोग को पता है आज तक ये 1.5-2 साल से अपने माँ बाप को नहीं जाता है, माँ बाप से नहीं मिलता है बेचारा, 80 वर्ष के बाप है बूढ़ा, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन चलिए नालायक आपका वंश कैसे हो गया। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहिए और ऐसे दरिंदों को सजा दिलाना हम लोगों का काम है और बहुत जल्द ही लोग सलाखे के पीछे होगा। लव यू आप सबको।